हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू धनकर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम मेंडल का हेरिडिटी वाला क्रॉस सब करवाते हैं, जैसे कि टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट को, तो उस कंडीशन में हमें दो चीज़ देखने के लिए मिलता है, एक तो टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। लेकिन टॉल का जो वो कंडीशन दो होता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ही देख लेते हैं यहाँ कि होता क्या है एक्चुअली में। टेस्ट क्रॉस जनरली मेंडल ने क्या किया, टॉल वाले प्लांट को एक प्योर टॉल, ये प्योर टॉल है मतलब दोनों एलिन जो है इसका, ये एक एलिन है ये एक एलिन है। एक्चुअली एलिन होता क्या, क्रोमोसोम जो है वो पैर में है। यहाँ मान लीजिए ये हाइट को ये करने वाला, हाइट के लिए जो जीन होता है वो है। तो वो जीन कैसा होता है इस टाइप से, मतलब जो इस क्रोमोसोम के जिस लोकस पर जीन हो, लोकस वो उस जगह को बोला जाता है जिस जगह पर जीन होता है। तो यहाँ एक एलील है और यहाँ एक एलील है दोनों क्रोमोसोम पर, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होता है, ये दोनों मिलकर बना जीन। और तो ये वाला जो एक सिंगल है वो क्या है, एलील है। तो दो एलील मिलकर एक जीन हुआ, मतलब कोई एक कैरेक्टर कंप्लीटली बना रहा है कोई एक जीन। तो ये क्या है, प्योर टॉल को बनाने वाला जीन। मेंडल ने जीन के जगह पर फैक्टर यूज किया था, फैक्टर वर्ड को, क्योंकि वो तब नहीं जानते थे जीन के बारे में, इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि तब जीन के बारे में कुछ खोज नहीं किया गया था। तो ये प्योर टॉल के लिए है जिसको टॉल लिख देते हैं, और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया, यानी कि ड्वार्फ ये प्योर ड्वार्फ हुआ, ये क्या हुआ प्योर, ये हुआ डॉल हुआ। अब गैमेट कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन एक एलिन को सेपरेट कर लीजिए, ये एक गैमेट हुआ, फिर इस एलिन को इधर सेपरेट कर लीजिए, मतलब ये एक एलिन एक को सेपरेट कर लीजिए इधर, एक को इधर, बस ये गैमेट फॉर्मेशन इतना ही इजी है। फिर स्मॉल टी एक इधर आ गया, हो गया ये गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, गैमेट मिलेगा, जैसे कि ह्यूमन में मैन में से स्पर्म गैमेट निकलता है और फीमेल में से एग निकलता है, वो एग होता है उसका, वो गैमेट हुआ स्पर्म एंड ओवम। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारा स्पर्म और बहुत सारा अगर एग है तो सब एक जगह पर फ्यूज हो, इनफैक्ट ये होता ही नहीं है। एक जगह पर एक स्पर्म एक ही एग के साथ फ्यूज करता है, यहाँ भले ही गैमेट बहुत सारा रिलीज हुआ लेकिन एक गैमेट ही दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। एक प्लांट का एक गैमेट दूसरे प्लांट के एक गैमेट से ही फ्यूज करेगा, दो से तो वो नहीं करेगा। तो ये गैमेट मान लीजिए ये गैमेट आपस में मिला, अब ये गैमेट भी इससे मिलेगा और भी गैमेट बनता तो वो भी आपस में फ्यूज करता, लेकिन अभी हम एक ही ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट के को ईजी वे में देखने के लिए। तो ये गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या बना, ये पोजीशन बना। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब वो एक लंबा पौधा को और एक स्मॉल पौधा को क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस यानी कि मान लीजिए ये एक पौधा है, एक फ्लावर है यहाँ, और ये ड्वार्फ पौधा छोटा सा और यहाँ है, तो इसका पॉलिनेशन इसमें करवाया, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन को उन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए ये फीमेल प्लांट है और इसको उन्होंने मेल कंसीडर किया, मतलब इसका ऐसा नहीं है कि फ्लावर मेल का अलग होता है फीमेल का अलग होता है, नहीं, उन्होंने क्या किया इसके मेल पार्ट को काट के हटा दिया और इसके फीमेल पार्ट को काट के हटा दिया और इसके पोलन ग्रेन को यानी मेल पार्ट को उन्होंने यहाँ ट्रांसफर करवा दिया इसके फीमेल में, और इसको कवर अप कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन आके इसको इसके एक्सपेरिमेंट को जो है वो कंफ्यूजिंग ना बनाए। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट उन्होंने लेना चाहा वो ही लिया कि इसके मेल गैमेट को यानी कि पोलन ग्रेन को यहाँ के ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ बनाइए पी, अब मटर तो बनेगा ही, मटर का प्लांट है तो ये पी क्या है, ये पी पॉड है, उसके अंदर जो पी बना वही तो सीड है, तो यही सीड से बना हुआ, यही एक सीड से बना हुआ एक प्लांट है। तो मतलब समझे कि ये दोनों प्लांट के सीड से जो बना वो है ये प्लांट। और जब मेंडल ने देखा कि हम तो उसमें से एक को लंबा लिए, एक को जो है नाटा लिए, फिर ये जो है F1 जनरेशन यानी कि पहले सीड से बना हुआ बच्चा वो क्या हुआ, टॉल दिखने वाला हुआ, लेकिन
टॉल का कंडीशन ऐसे भी होता है, टॉल जनरली अगर दोनों एल कैपिटल टी हुआ तो भी टॉल होगा प्लांट, और एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी हो तो भी प्लांट टॉल होगा। सिर्फ ड्वार्फ उस कंडीशन पे होता है जिस कंडीशन पर दोनों स्मॉल टी हैं। तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि ये प्लांट, देखने से मेंडल को इतना तो पता चल गया कि ये क्या है, टॉल प्लांट है, देख के तो टॉल पता ही चल रहा था। ये सिर्फ देखने के आधार पर पता चला कि ये टॉल है, लेकिन ये कौन सा टॉल है, ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है, इसका पता हम देख के लगा नहीं सकते हैं। तो टेस्ट प्रोस जो है इसी का पता लगाने के लिए क्या करता है कि ये टॉल ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है, मतलब वो डबल दोनों कैपिटल टी वाले हैं, यानी उसका दोनों एलील जो है वो कैपिटल वाले हैं, या फिर दोनों एलील जो में उन्हें से एक कैपिटल और एक स्मॉल वाले हैं, इसी का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस है एलील्स का पता लगाना उसमें कि उसमें कौन सा है, इतना समझ गए। अब क्या कैसे जाता है, इसका प्रोसेस है कि जो भी एफ वन में बना हुआ प्लांट को हम लिए, मान लीजिए ये प्लांट है, जो भी प्लांट था इसमें इसको लिए। अब एफ वन जनरेशन को यह रूल ले लेते हैं कि एफ वन जनरेशन के प्लांट को एफ वन जनरेशन प्लांट प्लस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट क्या है और डोमिनेंट क्या होता है, एक्चुअली डोमिनेंट और रिसेसिव अगर नहीं पता तो बता दे कि एफ वन जनरेशन में दोनों ही तो है। ये स्मॉल टी क्या कर रहा है, ड्वार्फ बनाने वाला है, स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ बनाने वाला एलील है, और कैपिटल टी क्या है, ये टॉल बनाने वाला है। लेकिन जब इसमें दोनों ही है तो ये प्लांट टॉल क्यों हुआ, जब सोच रही है कि दोनों एलील प्रेजेंट है और उसमें दोनों में फाइटिंग हुआ आपस में और कोई एक जीत गया, ये क्या है अपना कैरेक्टर दिखाया मतलब टॉल होने का, और इसके कैरेक्टर को सो होने ही नहीं दिया, भले ही इस रेस में दोनों है लेकिन ये इसको जीतने ही नहीं दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी को जीतने नहीं दिया, वो अपना कैरेक्टर को शो कर दिया टॉल होने का कैरेक्टर। तो जो अपने प्रभाव को दिखाता है उसको डोमिनेंट बोला जाता है, और जो हार जाता है यानी नहीं दिखा पाता यानी कि स्मॉल टी, वो क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो रिसेसिव पेरेंट कौन सा होगा, ये ड्वार्फ वाला जो नहीं दिखा पाया यहाँ। तो इसे हमेशा ही टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है कि एफ वन जनरेशन जो भी मिला हमको, आखिर इसी का पता करना है एफ वन जनरेशन, इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जिसका भी पता करना है कि वो कौन सा टॉल है, ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है, तो क्या करेंगे कि इसको रिसेसिव के वंस क्रॉस करवाएंगे। चल लीजिए रिसेसिव पेरेंट हो गया ये। अब इसका गैमेट सेपरेशन कर लेते हैं। गैमेट सेपरेशन सबसे इजी है कि एलील को अलग कर देना, गैमेट बन गया ये, ये हो गया पेरेंट, अब ये हो गया गैमेट, ठीक है। अब गैमेट का फ्यूजन करते हैं, गैमेट का फ्यूजन इस आधार पर करते हैं, जितना भी गैमेट है उसको लिख देते हैं। सबसे पहले इसी को लिख रहे हैं, एक प्लांट के गैमेट, ये तो एक प्लांट हुआ, ये एक प्लांट हुआ, ये दूसरा प्लांट हुआ, ठीक है। पहले प्लांट के गैमेट को हम इस एक रो में लिखते हैं और दूसरे प्लांट को दूसरे रो में, दोनों के रिसेसिव लिए। इस बॉक्स को या इस मेथड को पुनेट बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि ये पुनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसको निकाला कैसे जाता है, अगर ये गैमेट इसके इस, ये एक अलग प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट नंबर टू है, ये प्लांट नंबर वन है, जब प्लांट नंबर वन का ये गैमेट इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, ये ए टी और टी, जब इस प्लांट का एक गैमेट इस प्लांट के इस गैमेट से मिलेगा तो नंबर वन प्लांट का ये वाला गैमेट इस गैमेट से मिलेगा तो क्या बनेगा, ए टी बनेगा। अब नंबर टू का वन से गैमेट फिर ये मिलेगा स्मॉल स्मॉल टी बनेगा, फिर ये वाला इससे मिलेगा तो फिर स्मॉल टी स्मॉल टी बनेगा। तो जब हम देखते हैं ये क्या हुआ, ये टॉल वाला हुआ, यहाँ टॉल बना था, यहाँ भी टॉल बना,
ये तो क्या हुआ, डॉल ही था। तो सोचिए कितना डॉल हुआ टोटल, 50% और 50%। पता तो देख के ही लगाना है, जिन तो हमें पता नहीं है। तो इसमें से दो रूल निकलेगा, लेकिन हम पहले देख लेते हो क्या रहा है। तो क्या हुआ यहाँ, 2:2 का रेशियो निकला। देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों टॉल है, देखने से ही, जिन कुछ भी है लेकिन देखने से ये दोनों तो टॉल ही होगा, क्योंकि टॉल शो करता है। ये क्या है, डोमिनेंट है इस पर कैपिटल टी। तो 2:2 का रेशियो हुआ, क्योंकि ये दोनों तो स्मॉल होगा ही, दोनों ही स्मॉल को ये करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला है। तो जब 50-50% प्लांट, 50% प्लांट टॉल दिखा और 50% प्लांट जो है स्मॉल दिखा, टॉल और ड्वार्फ दिखा 50-50%, तब मेंडल को पता चल गया कि ये वाला जो F1 था वो क्या था, हेटरोट्रॉपिक था। हेटरोट्रॉपिक, इसको ये अलग अलग होना, एलील्स का अलग अलग होना को हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर ये सेम रहता तो फिर होमोट्रॉपी होता। ये क्या है, हेटरो, ये होमो, ठीक है, अलग को हेटरो बोलते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट है, क्यों, क्योंकि जब रिजल्ट में क्या निकला, जब रिजल्ट में 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आए, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ रिजल्ट आए, मतलब इसका पता लगाना है ना, इसको इसके रिसेसिव पेयरिंग से क्रॉस करने के बाद रिजल्ट में अगर आधा टॉल और आधा ड्वार्फ आए, तो मेंडल को इससे ये तो क्लियर हो गया कि मतलब क्या होगा, ये हेटरोट्रॉपिक वाला ही होगा, ये वाला टॉल होगा ना कि ये वाला। तो फिर कैसे पता चलता कि ये वाला है, वह ऐसे पता चलता, कि अगर वो ये वाला टॉल होता तो क्या होता, अगर ये मान लीजिए इस जगह पर अगर ऐसा टॉल होता तो इसके रिसेसिव करेक्टर से करते, इसके पेरेंट्स तो वही रहता, तो उसके रिसेसिव पेरेंट्स अगर क्रॉस करते तो क्या होता, गैमेट सेपरेशन। एज ऑलवेज गैमेट सेपरेशन ये हुआ, अब गैमेट आपस में मिलेगा और ये बना, सॉरी अब बॉक्स बनाना है ना, तो बॉक्स, इससे ही सारा गैमेट पता चलेगा ना, सारा गैमेट आप लिख देते हैं। ये एक प्लांट का गैमेट है, प्लांट नंबर फर्स्ट, प्लांट नंबर सेकेंड। ये क्या है, फर्स्ट प्लांट का गैमेट, दोनों लिखती है, दोनों कैपिटल टी अगर होता तो, और ये स्मॉल टी, तो ये फर्स्ट प्लांट का सेकेंड से मिलता, टी टी बनता, फिर ये इससे होता तो टी टी बनता, फिर इससे आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे आया कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये टी ना होकर दोनों ही कैपिटल टी वाला ये टॉल होता तो क्या पता चल जाता कि सारा का सारा प्लांट टॉल होता, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, तो ये भी क्या होता, टॉल 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 एंड टॉल, ऑल टॉल प्लांट होता। लेकिन जब यहाँ मेंडल ने देखा तो ये ऑल टॉल प्लांट नहीं होगा इसके नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये कैसा टॉल है ये पता चल गया इस जगह से कि ये क्यों नहीं है। अगर ये ऐसा वाला टी होता, ऐसा टॉल होता, मतलब अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला टॉल है, तब मतलब 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ रिजल्ट आएगा, जब हम उसके रिसेसिव करेक्टर से उसका क्रॉस करवाएंगे तो। जबकि अगर ये वाला टॉल रहता ये, तो क्या होता, तब सारा का सारा टॉल आता उसके रिसेसिव पैरेंट से करवाने, क्रॉस करवाने के बाद जितने भी सीड से प्लांट उगते उसमें सारे के सारे टॉल होते अगर ये होता तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब मेंडल ने इसका पता लगाने के लिए उसके रिसेसिव पैरेंट से उसका क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा कि 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ है, इससे वो क्लियर हो गए कि ये वाला टॉल ये नहीं है, यानी कि ये हेटरोट्रॉपिक टॉल है ना कि होमोट्रॉपिक। आई थिंक क्लियर हो गया कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस बस इतना ही जानने के लिए होता है कि ये होमोट्रॉपी है या हेटरोट्रॉपिक टॉल है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।